बाबा सिद्दीकी के लिए बेटे जिशान ने लगाई इंसाफ की गुहार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा सिद्दीकी को 13 अक्टूबर की रात 9:30 बजे जिशान के बांद्रा ईस्ट ऑफिस के बाहर 3 लोगों ने गोली मारकर जान ले ली थी। पुलिस ने बताया था कि उन पर 6 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 4 उन्हें और 1 उनके दूसरे सहयोगी के पैर में लगी। सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद उनकी फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। जिशान सिद्दीकी को तो आपने देखा था कि किस तरह पिता के जाने के बाद बेटा फूट फूट कर रोता नजर आया था। उस वीडियो ने हर किसी को रुला दिया था, हर किसी की आंखें नम कर दी थी। इसके बाद अब पिता के लिए इंसाफ मांगते नजर आए हैं बेटे जिशान सिद्दीकी, जिसका पोस्ट हो रहा है तेजी से वायरल। उस पोस्ट में जिशान ने क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बेटे जिशान सिद्दीकी ने गुरुवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, मेरे पिता ने गरीब निर्दोष लोगों के जीवन की रक्षा और उनके घरों का बचाव करते हुए अपनी जान गंवा दी। आज मेरा परिवार टूट गया है, लेकिन उनकी मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को न्याय चाहिए। अब जैसे ही जिशान ने ये पोस्ट किया, ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और उनके फैंस भी यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 2 शूटरों को हरियाणा के गुरमेल और उत्तर प्रदेश से जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश का ही एक आरोपी शिव कुमार गौतम अब तक फरार है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से जिशान सिद्दीकी का अपने पिता के लिए ये इमोशनल सा पोस्ट वायरल हुआ, इसे देखकर हर कोई हैरान हो गया है। आपको याद होगा, जिस दिन बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी, उसके बाद उनके बच्चे, उनकी बेटी और बेटा बहुत बुरी तरह से रोते नजर आए थे। वो वीडियो हर किसी को रुलाता नजर आया था। और अब बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद पहली बार उनके बेटे का इतना बड़ा रिएक्शन सामने आया है, साथ ही उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं बाबा सिद्दीकी के लिए और जिशान सिद्दीकी के इस पोस्ट के लिए? कमेंट करके दोस्तों हमें अपनी राय बताइएगा। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी इसे फॉलो करें।